नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुकरेती आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube पेज टैक्स शिक्षक में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ICICI बैंक के यूजर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपनी RD या FD को कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये जो स्क्रॉलिंग के ऑप्शन हैं जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए लास्ट में मैं जाऊँगा, यहाँ पर मेरा डिपोजिट अकाउंट है। डिपोजिट अकाउंट माने कि मेरी RD या FD। अब इस पर समरी पर क्लिक करते हैं। समरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा RD नंबर ये है और इसका करंट बैलेंस 5,000 रुपये है, जिसका मेच्योरिटी अमाउंट 12,455 रुपये होगा। उसकी मेच्योरिटी डेट 18 जून 2020 होगी। इंटरेस्ट 9.8 और जो इसका मंथली है वो 1,000 रुपीज़ है। अब मैं यहाँ पे व्यू डिपॉजिट अपनी डिटेल्स देख लेता हूँ। अभी देखिए मैंने कहाँ तक की, मुझे 288 रुपये का टोटल इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे लोग। तो अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद यहाँ पे RD के ऊपर क्लिक करूँगा, समरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मोर ऑप्शंस हैं, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज़ आरडी पे क्लिक करना है। ऊपर जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करना है। एक अकाउंट है तो एक ही डेट दिखाएगा। अब यहाँ पे प्रीमैच्योर क्लोज़र ऑफ RD यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। नीचे अपना जो ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी डाला हुआ है। सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यू हैव चूजन टू मेक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्लीज़ कन्फर्म एंड प्रोसीड। ये सबमिट बटन पे मैंने क्लिक किया। अब जो मेरा ATM कार्ड है उसके पीछे दिए हुए डिजिट्स, जो सीट नंबर होगा या जो मेरे ATM कार्ड के पीछे दिए गए डिजिट्स हैं इस अल्फ़ाबेट के साथ, वो मुझे यहाँ पे एंटर करने हैं, क्योंकि उसके पीछे भी ABCD दिया होता है पूरा। और वो डिजिट्स जो आपके कार्ड के पीछे हैं वो यहाँ पे एंटर करने हैं और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है आपको। ये मेरा सेविंग अकाउंट की मैंने स्टेटमेंट को ओपन किया। सबसे ऊपर की जो ट्रांजेक्शन है वो देखिए, क्लोजर प्रोसेस्ड और जो उसका है 5,056 रुपये, 56 रुपये का जो मेरा इंटरेस्ट बना वो मेरे अकाउंट में आ गया और ये पूरा RD क्लोज हो गई। अब मैं RD पे जाके चेक करूँगा, दिखाता हूँ आपको। RD का पैसा वैसे मेरे अकाउंट में आ चुका है। RD पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे करंट बैलेंस इज ज़ीरो, मतलब क्लोज RD थी वो क्लोज हो गई है और उसका अमाउंट मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आप भी अगर अपनी RD या FD को ब्रेक करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इसी प्रकार आप भी इसी जो मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करके आसानी से अपनी RD FD को ब्रेक करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई सवाल हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए।